मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा बच्चे को गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा देकर उसे अच्छा नागरिक बनाऊंगी। मिश्रा जी ने पत्नी से कहा अच्छा नागरिक बनाकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि जिंदगी में कामयाब बने। मिश्रा जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और इच्छा थी कि बेटा संस्कारी बने, लेकिन मिश्रा जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ, पत्नी ने जिद की, मिश्रा जी इस बार भी ना माने। तीसरा लड़का हुआ, पत्नी ने फिर जिद की, लेकिन मिश्रा जी एक ही रट लगाते रहे, कहां से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और इस बार भी नहीं माने। चौथा लड़का हुआ, इस बार पत्नी की जिद के आगे मिश्रा जी हार गए। अंततः उन्होंने उसे सरकारी विद्यालय में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए भेज ही दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घुमा। अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीनों लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। पहला डॉक्टर, दूसरा बैंक मैनेजर, तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में ऑफिसर के पद पर जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, मिश्रा जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पे लग गए ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, तीनों की जिंदगी तो अब सेट हो गई, कोई चिंता नहीं रहेगी अब इन तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा संस्कारी बनकर पास ही के विद्यालय में नौकरी कर गांव में ही खेती को संभाल रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक अफसर बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की, तुम्हें भी आज इस पर पश्चाताप होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और इस बात का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले लेते हैं चारों की, कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी बाल बिखरा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, मम्मी क्या हुआ? जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। पहला बेटा बोला, बुढ़ा सठिया गया है क्या, कहाँ है बुलाओ। मम्मी ने कहा, वो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। पहला बेटा बोला, आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूँ, मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है, ये कहकर कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, पूछा तो मम्मी ने वही जवाब दिया। दूसरा बेटा बोला, क्या पगला गए हैं इस बुढ़ापे में, उनसे कहना चुपचाप अपनी बची कुची जिंदगी गुजार ले, आए तो मुझे बुला लेना, और मैं खाना खाकर आया हूँ, सोना है मुझे, अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ उनकी, ये कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया, वजह पता चलते ही वो तो आग बबूला हो गया, इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथ से जूते खाने वाले काम कर रहे है, इस बेटे ने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, ये कहकर अपने कमरे में चला गया। मिश्रा जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके इन्हें पाला पोसा, बड़ा आदमी बनाया, जिनकी तमाम गलतियों को मैंने नजरअंदाज करके आगे बढ़ाया, और ये ऐसा बर्ताव, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने में चौथा बेटा घर में ओम 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 करते हुए अंदर आया। माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया, पूछा तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा, तो चौथे बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ आप पिताश्री की अर्धांगिनी हो, वो आपके बिना अधूरे है, अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ, मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा, वो आपसे हमेशा प्रेम से बातें करते हैं, जिन्होंने इतनी सारी खुशियां दी आज नाराजगी से पेश आए तो क्या हुआ, हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता रही हो ना हो माँ आपसे कहीं गलती जरूर हुई होगी, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना आपको 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी, वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे, तब आपने फोन करके मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ, तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सुनते ही माँ बेटे को गले लगाकर फफक फफक कर रोने लगी।
मिश्रा जी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। अब बताइए क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर, पत्नी ने मिश्रा जी से पूछा। मिश्रा जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। मिश्रा जी की धर्म पत्नी ने कहा, यह शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती, ये शिक्षा तो परिवार के व्यवहार व संस्कारों से मिलती है। अब मिश्रा जी को एहसास हुआ, जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलाई वे सब तो नकली निकले, जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा। इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए हुए संस्कार तय करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।